एपिसोड नंबर 208, 208। भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भी हमारा कम अहित, हम ये सब कहां थे यार हैं। उपदृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। वेद ते विमुख भा अधमन बेर समान सहस बाहु सुर नाथु ते संकु केहिन राज मद दीन कलंकु भरत की न यह उचित उपाऊ रिपुरी नरंचन राख बकाऊ एक कीनी नहीं भरत बलाई निदरे राम जानी असहाई समझी परिहि सो आजु बिसेखी समर सरोष राम मुख पेखी इतना कहत नीति रस भूला रन रस विधा कर जोरी रजाय सुमागा मन हूँ वीर रस सोवत जागा बांधी जटा सिर कस कटि भाथा साज सरासनु साय कुहाथा आजु राम सेवक जसु लेऊ भरत ही समर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई सो बहु समर सेज दो भाई आई बना भल सकल समाज प्रगट करऊ रिस पाछिल आज जिम करिनी कर दलई मृग राजू ले लपेटी लवाजिमी बाजू तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरिनी पातऊ खेता जौ सहाय कर संकर आई तौ मारऊ रन राम दुहाई पति सरोष माखे लखन लखी सुनी सपथ प्रवान सभय लोक सब लोक पति
चाहत भवरे बगा। प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जाननी हारा। अनुचित उचित काज किछु हो समुझ करिय भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सतु जाने राम सिय सादर सन्माने। कही ताट तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मात ही ते नाहिन साधु सभाज ही से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुनान दीसा।